हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जेएससी के द्वारा जो 2016 में पीजीटी की जो वैकेंसी लाई गई थी और उसके लिए एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया था, उसमें बहुत सारे रिजल्ट जो थे पेंडिंग थे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेएससी ने रिजल्ट है जो जारी करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम इसमें बात करें तो अभी तक अगर देखिएगा तो झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी प्रारंभ हो चुका है और बहुत सारे सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में होंगे। तो कल जो जारी किया गया है रिजल्ट, उसमें जिग्रोफी और संथाली का जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या क्या जोड़े गए हैं, किन किन रोल नंबर को इसमें जोड़े गए हैं, आप किस तरह से इसमें चेक कर सकते हैं और इस रिजल्ट के बारे में, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या क्या चीजें ले जानी है, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कौन सा स्क्रिप्ट में आपको होगा, सारे चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को और लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाली परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें अभी तक अगर आप हमारे लाइव क्लासेस में नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको सारे लाइव क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के जैसा साथ ही क्लास नोट्स टेस्ट सीरीज सारे उपलब्ध कराए जाते हैं, एग्जाम तक आपको सारे वैलिडिटी रहती है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो झारखंड पीजीटी के लिए आपका दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है बहुत ही कम फीस पर। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं कोई भी कोर्स लेते हैं तो 1100 आपका डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है और इसमें आपका जो है बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड पीजीटी आपका टीजीटी, इसके अलावा आपका जो पेपर वन के लिए भी जुड़ना चाहते हैं या फिर जेटेड बोथ पेपर के लिए और सहायक आचार्य के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसको जुड़ने के लिए आपको सीधा सा जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग है उसी पर सारे क्लासेस चलेंगे, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत सारे छात्र कंबाइंड बैच भी ज्वाइन करते हैं, अगर पीजीटी के साथ कंबाइंड ज्वाइन करते हैं तो आपका अभी जो पड़ रहा है इसमें 7700 पड़ रहा है, मात्र 7700। और अगर पीजीटी के साथ कंबाइंड बैच ज्वाइन करते हैं जिसमें सिंगल सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका 6700 पड़ रहा है आपका, और सहायक आचार्य वगैरह के लिए भी बैचेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए हम लोग रिजल्ट में आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो ये रिजल्ट जारी किया गया है दो सब्जेक्ट के लिए जारी हुआ है इस बार, जियोग्राफी और जो आपका एक संथाली है। तो चलिए इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है आप देख सकते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये सारे रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छात्र का वही फिर प्रश्न उठता है जैसे कि सर पूछते हैं कि सर कि क्या ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है क्या इनका पूरा 100% सिलेक्शन हो चुका है, क्या वो टीचर बन गए। ध्यान रखिए बिल्कुल इसमें ऐसे जितने भी छात्र हैं 100% बिल्कुल चांसेस होते हैं कि वो बन जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जो आप इन्फॉर्मेशन दें, मतलब ये सीधा सा है कि अगर आपकी कुछ गलती की वजह से हो सकता है या फिर आयोग को लगता है कि नहीं ये होना चाहिए था लेकिन आपके पास वो नहीं है तो उस वजह से ही सिर्फ रिजेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आपका 99% जो चांसेस हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन निश्चित है। तो ये चीजें बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे और रोल नंबर को लेकर वही सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर कि रोल नंबर मेरा खो गया है या फिर नहीं मिल रहा है, ना एडमिट कार्ड मिल रहा है, ना जो हमने एग्जाम पेपर दिया था तो पेपर भी नहीं मिल रहा है, कैसे पता चलेगा। तो आयोग ने अभी तक तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जेएससी की वेबसाइट पर नहीं दिया है, हमने आपको पहले की वीडियो में भी बनाया था जो पिछले रिजल्ट जो जारी हुए थे कि आप आयोग में जाकर संपर्क कीजिए, बिल्कुल वो आपकी मदद करेंगे और आप आसानी से अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं रोल नंबर को। अब देखिए यहाँ पर जो ज्योग्राफी का रिजल्ट जारी किया गया है आप इसमें देख सकते हैं, इसका जो इंटरव्यू जो प्रारंभ किया जा रहा है जो 17 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और इसमें भी देखिएगा तो सब फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है, मतलब कि एक दिन में दो शिफ्ट में ये इंटरव्यू मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाया जा रहा है। जो ये इंटरव्यू प्रारंभ मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रारंभ होगा फर्स्ट सिटिंग में 11 बजे से 1 बजे के बीच में होगा और इसमें देखिए कुल 70 छात्रों को जो है बुलाया गया है। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दिए या फिर जेएससी की वेबसाइट पर आप जाइएगा jsc.nic.in पर, वहां पर आपको सीधे रिजल्ट वहां पर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो आपको हमने आपको बताया कि इसके साथ एक आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं तो आपको जेएससी के द्वारा एक फॉर्म आपको दिया गया है जिसको आपको प्रिंट आउट निकालवाना है और उसको फिल करना है और फिर जाकर फिर
उस फॉर्म को ले जाना है अपने साथ ही। उस फॉर्म को कैसा फॉर्मेट है आगे हम लोग देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट जो है 17 नवंबर को ही है, इसमें भी 70 छात्रों को बुलाया गया है। फर्स्ट जो शिफ्ट है 18 नवंबर को, उसमें भी देखिएगा तो यहाँ पर आपका 70 छात्रों को है 18 नवंबर को। सेकेंड शिफ्ट जो कि 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, इसमें भी 70 छात्रों को बुलाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर 18 के बाद यहाँ पर है फिर 21 नवंबर को 11 से 1 बजे के बीच में 70 छात्रों को बुलाया गया है। और सेकेंड शिफ्ट में 21 नवंबर को ही जो है 40 छात्रों को बुलाया गया है। अब उसी तरह देखिएगा संथाली का भी है। संथाली का तो देखिएगा तो 21 नवंबर को ही सेकेंड शिफ्ट में है, मतलब कि 21 नवंबर को संथाली के जो छात्र जो इसमें जिनका रोल नंबर है उनको जाना है, और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग है 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, और इसमें कुल 36 छात्रों को बुलाया गया है। अपेक्षित ध्यान ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, अपने फॉर्म भरते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, उसी चीज का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। ऐसे तो इसमें बोला गया है कि स्पेसिफिक यही लाना है, 10th का है जैसे कि ओरिजिनल मूल प्रति, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारी चीज आपको लेके आना है। आपको 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और बीएड का, ये 4 कोर्सेस का आप हर एक डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाइएगा। अगर आप एसटीएससी या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो वो सारी मूल प्रति लेके जाइएगा जो उस समय का मांगा गया है जिसने आपने भरा था। और अगर आपका कुछ स्पेशलाइज कैटेगरी जैसे दिव्यांग वगैरह छात्र हैं तो उनके लिए भी जो अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है उसे भी जरूर लेके जाइएगा। कोई कोई छात्र बोलते हैं सर नाम में डिफर होता है, तो हमने आपको बोला है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है, ये थोड़े बहुत चलता है ये चीजें। हाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक है तो आप उसके लिए क्या कीजिए कि एक एफिडेविट वगैरह बनवा सकते हैं कचहरी से, वो आपका वैलिड होता है। जैसे कि मान लीजिए टाइटल गलत हो गया, या फिर आधार कार्ड में आपके पिताजी का अलग नाम है, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें अलग नाम है, उसमें भी आप एफिडेविट वगैरह बना सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। अब देखिएगा जैसा कि हमने बताया कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म लेके आपको जाना पड़ेगा जो यहाँ पर आयोग ने अपलोड किया हुआ। देखिए यहाँ पर पीडीएफ जो रिजल्ट है उसके नीचे ही ये 3 या 4 पेज का ये पीडीएफ मतलब पेज है, इसको प्रिंट करवाना है आपको, और प्रिंट करवा कर आपको इसको भरना है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, मतलब कि यहाँ से 1 से लेकर आपका 14 तक आपको खुद फिल करना है, मतलब फिल करके ही जाना है। और 15 और 16 का जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन्हीं समक्ष, उन्हीं पदाधिकारी के सामने आप जो बोला गया है इसमें चीजें, जैसे कि यहाँ पर स्व घोषणा पत्र है, ये स्व घोषणा करना है, हस्ताक्षर करना है, और साथ ही जो अंगूठे का जो साइन है जो उसका देना है, और डेट वगैरह सब उन्हीं के सामने कीजिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं मांगा गया है कि जिसको आप वहां पर नहीं भर सकते, बहुत ही सामान्य चीजें है, जैसा कि आप एक फॉर्म भरते हैं उसी तरह का डिटेल मांगा गया है, जैसे कि आपका रोल नंबर कितना है, विषय आप किस विषय में अप्लाई किए थे, जिला का नाम किस जिले से अप्लाई किए थे, प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि आपकी कौन सी है। अब बोलिएगा प्रथम पाली द्वितीय पाली, तो इसमें खाली टिक कर दीजिएगा कि नहीं मेरा प्रथम पाली है, इसको ऐसे मान लीजिए प्रथम पाली है तो इसको टिक कर दीजिएगा, इसमें लिखना नहीं है कि यहाँ पर प्रथम पाली लिख दीजिए, ये इसलिए लिखा हुआ है या तो आपका प्रथम पाली होगा या फिर द्वितीय पाली। अब देखिए संथाली भाषा वाले छात्र का तो सिर्फ द्वितीय पाली में ही है, तो सिर्फ वो द्वितीय पाली को ही टिक कर देंगे कि मान लीजिए आपका संथाली भाषा में है, क्योंकि उनका एक ही 36 छात्रों का इंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन में सारा हो जा रहा है द्वितीय पाली में, तो द्वितीय पाली को वहां पर टिक कर लीजिएगा, बस उसमें नहीं करना है और आपको कुछ नहीं करना है। पासपोर्ट साइज फोटो जो लेटेस्ट वाला है वही नहीं। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे इसमें कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए जाति आवासीय चाहिए, अगर जो डेट लिखा हुआ है वो मतलब 2016-17 या फिर उससे पहले का, तो पासपोर्ट साइज भी फोटो जो है उसी समय का चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेटेस्ट वाला ही फोटो यहाँ पर आप दीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट वाला ही मांगा जाता है फोटो वगैरह। वही नेम ऑफ कैंडिडेट है, पिता माता का नाम है, पति अगर हैं तो उनका ऊपर लागू होता है तो उनका देना है। फिर जन्म तिथि आपको बताना है कि 1 जनवरी 2016 का आपका डेट ऑफ बर्थ कितना था, तो वही आपका क्योंकि इसमें एज का भी कट ऑफ होता है ना, तो एज 1 जनवरी 2016 का आपका कितना था, अगर मान लीजिए जो उस समय का निर्धारित है मैक्सिमम एज अगर उससे आप डिफर करते हैं तो वहां पर रिजेक्शन का कारण हो जाता है, इसलिए वो एज मांगा जाता है।
फिर एसटी एससी ओबीसी या फिर फीमेल कैंडिडेट है या फिर पीएच कोई कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जो पत्राचार का पता आपको देना है, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको देना है, फिर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारे के बारे में आपको देना है, अगर आपने टेंथ किया है, ट्वेल्थ का, स्नातक का, अगर कोई आचार्य जो है फाजिल वगैरह तो ये कुछ कोर्सेज वगैरह अगर किए हैं तभी देना है, नहीं ये नहीं कितना है। स्नातकोत्तर वगैरह आप किए हैं, पीजी वगैरह कर लिए हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, बीएड का देना है, अगर कोई अन्य कोर्सेज आपके पास है तो इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट में आप, चूंकि ये स्नातक का स्तरीय परीक्षा होती है और उसी के आधार पर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए चयन किया जाता है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर अपना विवरण देना है। जो आपके पास जो आरक्षण संबंधी या स्थानीय संबंधी जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में यहाँ पर विवरण देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर अगर आप कहीं पहले अभी किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, तो उसके बारे में हाँ या ना बताना है, नहीं बताना है। अगर नहीं है तो इसको भरने की जरूरत नहीं है, अगर हाँ है तो इसको भी भरिएगा। जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जिस पद पर है उसके बारे में देना है। आपका अनुभव कितना रहा है इस, मतलब इस डेट के बाद से कितने साल आपने पढ़ाया है, और विद्यालय जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उसके बारे में यहाँ पर विवरण देना है। बस इसमें यही था और कुछ नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप से कुछ नहीं करना है। बहुत सारे हड़बड़ा जा रहे स्टूडेंट वगैरह, और सही से डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइएगा, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। पिछले वीडियो में हमने एक बताया था कि सर की जैसे कि हमने उसको ध्यान रखिएगा कि इग्नू से जिन्होंने बीएड किया हुआ है इग्नू से उनको रिजेक्ट कर दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर देखिएगा हमने वहां पर क्लियर भी कहा था कि डॉक्यूमेंट जिनका सही है, ऐसा नहीं कि इग्नू का कोर्स इनवैलिड हो गया, ये तात्पर्य निकाल रहे, डॉक्यूमेंट जिनका सही है वो बिल्कुल जो है डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, इनवैलिड नहीं, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सारी पूरी जानकारी थी, अगर किसी भी इससे संबंधित आपको समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके जो भी सवाल होंगे उसका जवाब दिया जाएगा, और साथ ही आप ऑल द बेस्ट आपके जो रिजल्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, और बेहतर तरीके से आप सब चीज लेके जाइएगा, और जो भी है चीजों का गाइडलाइंस का पालन कीजिएगा, बेहतर होगा। और जो भी छात्र नए हैं, जो क्लासेस करना चाहते हैं, अभी तक क्लास नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं लाइव क्लासेस में, तो आप हमारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, और जितने भी यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, सारे के सारे आपका ऑफलाइन क्लासेस के जैसा, और इसमें आपको डाउट सेशन वगैरह और कॉलिंग फैसिलिटी भी रहता है हमारे एप्लीकेशन में, कि आप तुरंत टीचर से बात भी कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन में ही उपलब्ध रहता है। नोट्स वगैरह दिए जाते हैं जो एप्लीकेशन पर सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, साथ ही आपको टेस्ट वगैरह, एमसीक्यू सेशन वगैरह, और ये सारे क्लासेस हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर उपलब्ध होते हैं। तो जो भी छात्र या फिर आपके फ्रेंड नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।